नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य कर्मचारियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर लामबंद नजर आए। वहीं बलिया कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में पहुंचे राज्य कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए चुनावी अल्टीमेटम भी दे दिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदर्शन करने पहुंचे संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र पांडे ने कहा कि जो पार्टी पुरानी पेंशन अन्य मांगों को पूरा करने का वादा करेगी, हम वोट भी उसी को देंगे। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। जुल्म के टक्कर पे रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 पुरानी अपनी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाथ पांडे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बलिया शाखा का अध्यक्ष। हम लोग पुरानी पेंशन जो है बहाली के लिए कटनी छटनी जितना या आउटसोर्सिंग पे ठेके पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनको हटा के जो है नियमित कर्मचारी रखे जाएं और 8वां वेतन आयोग जो है गठन किया जाए, जिसका जो है नहीं तो परमानेंट जो है वेतन आयोग बना दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को 5-6 साल पे जो लाभ मिलता है वो मिलता रहे। तमाम मांगे जो है हम लोगों की अधूरी हैं और वार्ता होने के बाद भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम लोग जो है आज सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, मांग नहीं पूरी हुई, तो जैसा प्रांत का निर्देश होगा हम लोग अगली कार्रवाई के लिए जिले के भर के कर्मचारी देंगे। विपक्ष की तरफ मूवमेंट करेंगे, दूसरे दल को वोट करने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए, ये तो बहुत दिन से कर्मचारी एकता के चल रहे कर्मचारी जो है, हम लोग यही चाहेंगे कि जो है ओपीएस जो ओपीएस देगा, मतलब हमारी जो पुरानी पेंशन देगा उसी को हम जो है वोट करेंगे, उसी के साथ हम साथ। चुनावी घोषणा में जो पार्टी कहेगा कि राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे, आप उन लोगों के साथ?